किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा के एक प्रोडक्ट है एक्वाफेट के नाम से, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। ये हमारी फसलों के अंदर जो फलों का साइज है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। बहुत सारे किसान भाइयों की डिमांड रहती है कि हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो हमारे फलों के साइज को इम्प्रूव करे, अच्छा करे और उनकी क्वालिटी को सुधारे, उनको अधिक स्वादिष्ट बनाए और उनके कलर को भी अच्छा इंक्रेज करे, अच्छा कलर आए जिससे हमें मार्केट दाम अच्छा मिले। तो इन सभी डिमांड को ये फुलफिल करता है। उसके साथ साथ ये जो हमारा प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसको भी इंक्रीज करता है, उसको भी बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन जो टाटा का ये प्रोडक्ट है एक्वाफर्ट, इसके बारे में कम्प्लीट जानकारी लेंगे कि इसकी डोज क्या है, कब कब हम स्प्रे करें और कौन कौन सी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलों पर स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि उन फसलों पर स्प्रे करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि कौन कौन सी फसलों पर हमें इसका स्प्रे लेना है, किन पे नहीं लेना है और इसकी कीमत क्या है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, एक्वाफर्ट के अंदर क्या होता है। तो देखिए इसके अंदर NPK और S यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये तीन पोषक तत्व इसके अंदर मिलते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो इसके अंदर हमें 5% देखने को मिल जाती है। उसी तरीके से फास्फोरस की बात करें तो 11% इसके अंदर होती है। पोटेशियम की बात करें जो फ्रूटिंग स्टेज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वही फलों के साइज को अच्छा इंप्रूवमेंट लाती है, तो वो इसमें 35% सबसे ज़्यादा दिया गया है। उसके साथ साथ इसमें सल्फर भी दिया गया है 5%। तो ये जो भी पोषक तत्व दिए गए हैं एक बेहतर कॉम्बिनेशन में दिए गए हैं, जो फलों के जब हमारा फल सेट होता है फ्रूटिंग के समय जो भी जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है पोषक तत्वों की, उसी के अनुसार ये दिए गए हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है जो फलों के साइज को इंक्रेज करता है। अच्छा फलों का साइज अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी सुधरती है और फलों की जो संख्या है वो भी इंक्रेज होती है यदि हम इसका फ्लावरिंग स्टेज से ही स्प्रे शुरू कर देते हैं तो। प्रोडक्शन को बेहतर करता है और ज़्यादा भी करने का काम करता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। देखिए नाइट्रोजन आप जानते हैं, देखिए उस समय पे जब हमारा फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो जाती है, क्योंकि जब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो उस समय हमारे प्लांट को नाइट्रोजन की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ज़रूरत होती है। तो इसलिए नाइट्रोजन इसमें 5% दिया गया है। नाइट्रोजन क्या काम करता है कि वो हमारे फसल के अंदर जाके क्लोरोफिल को बढ़ाता है जिससे हमारी फसल हरी भरी देखने को मिलती है, ग्रोथ को अच्छी करता है। लेकिन क्योंकि उस समय ग्रोथ की आवश्यकता नहीं होती इसलिए इसमें 5% कम मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन दिया गया है। उसके साथ साथ इसमें फास्फोरस भी है जो 11% दिया गया है, क्योंकि फास्फोरस भी अच्छा रहता है। फास्फोरस फ्रूटिंग स्टेज में देने से फ्लावरिंग अच्छी आती है, अच्छे फूलों को बढ़ावा देता है जो फास्फोरस होता है, और तो इसलिए फास्फोरस इसमें 11% दिया गया है क्योंकि फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है। और इसमें जो पोटेशियम है वो इसमें 35% दिया गया है, उसकी सबसे ज़्यादा मात्रा रखी गई है क्योंकि उस स्टेज में जो फलों का साइज को हम सुधारना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी को सुधारना चाहते हैं, तो उसमें पोटेशियम जो होता है उसका बहुत ही अच्छा रोल होता है, क्योंकि पोटेशियम ही जो फलों के अच्छे साइज के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि उसको जितना ज़्यादा पोटेशियम देंगे उतना अच्छा फलों का साइज हमें देखने को मिलेगा, फलों के कलर को सुधारने में, फलों की क्वालिटी को सुधारने में, उनकी मिठास को स्वादिष्ट फलों को बनाने में जो पोटेशियम है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसलिए उसकी 35% इसमें मात्रा रखी गई है, तो सबसे ज़्यादा वो रखा गया। उसके साथ साथ इसमें सल्फर भी है, सल्फर भी बहुत ज़रूरी होता है फसलों के लिए, तो उसकी भी हमारे इसमें 5% मात्रा रखी गई है। सल्फर भी हमारी फसलों को और हरी भरी बनाता है। तो ये सब पोषक तत्व तो इसमें दिए गए हैं एक बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ, जिससे जो हमारे फलों का साइज है वो अच्छा होगा, फल अधिक आएंगे, फलों की क्वालिटी अच्छी होगी। तो फलों के साइज को बेहतर करना चाहते हैं, अधिक फल चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब इसका देखिए, इसके मिनिमम आपको 3 स्प्रे ले लेना चाहिए किसी भी फसल पे। तो 3 स्प्रे लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके देखे गए हैं, हमने यूज किया है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें इसको देखने को मिले हैं। तो देखिए इसके हमने जो स्प्रे किए हैं और करने चाहिए, जो कंपनी रिकमेंड करती है, वो फ्लावरिंग स्टेज से आपको शुरू कर देना चाहिए। एक स्प्रे आपको फ्लावरिंग स्टेज में ले लेना चाहिए, उसके बाद क्योंकि जब फ्लावरिंग स्टेज भी आ रही होती है, फ्रूट भी आ रहे होते हैं, तो एक स्प्रे उस टाइम पे ले लेना चाहिए। उसके 15 दिन बाद आपको इसका दूसरा स्प्रे ले लेना चाहिए, और जब फिर उसके फिर 15 दिन बाद इसका तीसरा स्प्रे ले लेना चाहिए।
तो इस तरीके से आप 3 स्प्रे ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके फलों का जो साइज है वो अच्छा होगा, अधिक फल आएंगे, फलों की क्वालिटी बेहतर होगी, तो अच्छा आपको क्वालिटी वाला जो प्रोडक्शन है वो अच्छा देखने को मिलेगा और मार्केट प्राइस आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, फलों के साइज को यदि आप इंक्रीज करना चाहते हैं, अधिक क्वालिटी वाले फल आप चाहते हैं, अधिक स्वादिष्ट फल आप चाहते हैं। अब इसका किस क्रॉप पे हम स्प्रे कर सकते हैं, तो देखिए किसी भी फसल पे कर सकते हैं जिनमें फूल और फल आते हैं, जैसे कि आलू के अंदर कर सकते हैं, आलू का क्योंकि ट्यूबर बनता है उसके अंदर, तो ट्यूबर के साइज को उसको बड़ा करना चाहते हैं तो आलू के अंदर, प्याज के अंदर, लहसुन के अंदर, और देखिए हमारी जो वेजिटेबल्स क्रॉप है जैसे कि और टमाटर के अंदर, बैंगन के अंदर, भिंडी के अंदर, खरबूज के अंदर, तरबूजे के अंदर, तरबूजे के साइज को अच्छा करेगा, खरबूजे को साइज को अच्छा करेगा, अधिक स्वादिष्ट उनको बनाएगा, खीरे के अंदर, तो इन सभी फसलों के अंदर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। स्प्रे आपको किन फसलों के अंदर इसका नहीं करना है, जो हमारी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें केवल पत्ते आते हैं, जैसे कि आप जो हमारा पालक होता है, स्पिनेच होता है, उसके अंदर ना लें, कोरिएंडर धनिया के अंदर ना लें, क्योंकि उसमें पत्तियां ही आती हैं तो उसमें जो फलों का जो रोल है उतना नहीं होता है। हाँ, जो कॉल क्रॉप हैं उनके अंदर आप ले सकते हैं, जैसे कि कैबेज के अंदर, बंद गोभी के अंदर, तो बंद गोभी का जो हेड है उसको अच्छा करेगा, उसके साइज को इंक्रीज करेगा। कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी के अंदर ले सकते हैं, तो इन फसलों के अंदर ले सकते हैं, ब्रोकोली के अंदर ले सकते हैं, तो इन सभी फसलों के अंदर हम इसका स्प्रे ले सकते हैं। केवल जो लीफी वेजिटेबल होती हैं, पत्तियों वाली पत्तीदार सब्जियां होती हैं, जैसे मैंने बताया पालक और धनिया या और भी हो सकती हैं, तो उनके अंदर आप इसका स्प्रे ना करें। और देखिए यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज रखनी होती है वो हमें 5 से लेकर 6 ग्राम पर लीटर तक आप रख सकते हैं, तो उस डोज के साथ आप स्प्रे कर सकते हैं। 5 ग्राम पर लीटर आप रखें और 16 लीटर का टैंक है तो उसमें 80 ग्राम इसको डाल करके आप स्प्रे करें तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो मैंने 3 स्प्रे बताए वो 3 स्प्रे यदि आप ले लेते हैं तो फल अधिक में देखने को मिलेंगे और उनका क्वालिटी और उनका साइज अच्छा देखने को मिलेगा। क्रॉप भी आपको अधिक ग्रीनिश देखने को मिलेगी, जो आपकी फसल है वो भी हरी भरी आपको देखने को मिलेगी। यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो देखिए इसकी जो 1 kg पैकिंग की कीमत है वो लगभग आपको 300 से लेकर 330 रुपए की रेंज में मिल जाएगी। तो ये इसका प्राइस है क्योंकि हमने परचेज किया है, तो इस प्राइस रेंज के साथ ही आपको मिल जाता है। तो उम्मीद है किसान भाई जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।